हरे ओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं कक्षा दसवीं की मैथ्स, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, दोनों का चूंकि सिलेबस समान है। इसकी प्रश्नावली 2.2 हम एक वीडियो अपलोड इसका कर चुके हैं पहले, लेकिन इसका एक वीडियो रह गया था, आज हम वही आपको लेकर के आए हैं। 2.2 का एक क्वेश्चन हमने इसके पार्ट फर्स्ट में लगा दिया था, आज हम लेके आए हैं 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2। इसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भैया बहन हैं, रिश्तेदार दोस्त हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम उनके लिए भी यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। मैथ्स रीजनिंग जी के साइंस शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, हमें द्विघात बहुपद बनाना है या ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणांक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। का मतलब ये है, क्रमशः का मतलब जैसे 1/4 यहाँ पर लिखा है, तो वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि शून्यकों का योग हमें दे दिया है, शून्यकों का योग पहले दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है हमें 1/4 और शून्यकों का गुणा जो है वो दे दिया है हमें कितना, -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है क्या स्टूडेंट्स, बहुपद की, इसका जो बहुपद होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, बहुपद का आप एक फार्मूला याद रख लें, बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है, वो है x² ऋण, यहां आपको लिखना है शून्यकों का योग से चालू करना है, शून्यकों का योग x धन शून्यकों का गुणा। या तो आप इस फार्मूला को याद रखो या फिर आप इस फार्मूला को याद रखो, x² ऋण, यदि हम शून्यक अल्फा और बीटा माने, मान के चलो ये अल्फा और बीटा हम शून्यक यदि माने तो उनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये दो फार्मूला है, या तो आप हिंदी का यूज करें या फिर आप ये गणित की भाषा का उपयोग करें, ये दो फार्मूला है जो बहुपद बनाने के सूत्र है। इनमें आपको केवल क्या कर देना है, मान रख देना और आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो यहां हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, उन्हें दिया है शून्यकों का योग 1/4 है, तो x² यहाँ ऋण है ध्यान रखना और यहाँ धन है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना 1/4, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, तो यहाँ ऊपर x लिख देंगे, धन शून्यकों का गुणा, गुणा कितना दिया ऋण 1, तो दो चिन्ह लगातार में नहीं लगते, हम यहाँ कोष्टक लगा के क्या रख देंगे, ऋण 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो x² ऋण 1 का x में गुणा होगा ऊपर ऊपर, तो ये आ जाएंगे 1/4 और धन का ऋण में असमान चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ये बराबर 0 चलता है तो हम इसमें जो संख्या आपको बटे में दिख रही होती है या बटे की संख्या हम जो भी है उनके लघुत्तम लेके, खैर यहाँ तो 4 ही बस दिख रहे, तो इसमें पूरे में हम 4 से क्या कर देंगे गुणा। ये भी जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है x² ऋण 1/4 ऋण 1, ये भी सही है, पर हम यदि 4 से गुणा कर देते हैं तीनों पदों में, यहां भी यहां भी यहां भी, तो ये 4/ के हट जाएंगे। तो देखो 4 का x² में गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 4x² ऋण 1/4 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे, मतलब यहाँ केवल x बचेगा, तो वही हमने लिख दिया, और ऋण 1 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 4x² ऋण x ऋण 4, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा बहुपद। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। क्या कह रहे थे, पहले योग लिखा है और बाद में लिखा है क्या, गुणा। ठीक है, पहले क्या लिखा है, योग, तो शून्यकों का योग इसमें कितना दे रहे हैं, शून्यकों का योग कह रहे हैं ऋण 2 और शून्यकों का गुणा कितना कह रहे हैं, शून्यकों का गुणा कह रहे हैं 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फार्मूला क्या था, बहुपद बनाने का, तो उसी फार्मूला में आपको मान रखना है। बहुपद बनाने का हमारे पास फार्मूला क्या था, यहां हमें लिखना है क्या था फार्मूला, x² ऋण शून्यकों का, x² ऋण शून्यकों का योग, फिर x धन शून्यकों का
गुणा, ठीक है। तो इसी में रख दो आप मान। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऋण शून्य को का योग कितना दिया, वर्गमूल दो, वर्गमूल दो रख दो इंटू एक्स, तो इंटू एक्स रख दो, धन शून्य को का गुणा, शून्य को गुणा कितना है एक बटे तीन, तो एक बटे तीन रख दो। अब यहाँ जो संख्या बटे में आती है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखो इसी संख्या का गुणा कर दिया करें तीनों पदों में, एक दो तीन। तो जैसे यहाँ बटे में कितने आए तीन, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, तो हम लिखेंगे इस सभी पदों में तीन का गुणा करने पर, तीन का गुणा करने पर। तो जब आप यहाँ सब में तीन का गुणा कर रहे होगे तो यार होगा तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी तीन का होगा एक स्क्वायर में, ऋण तीन का वर्गमूल दो में भी होगा तो हो जाएगा तीन वर्गमूल दो, एक्स चले ही रहे, और धन यहाँ भी जो एक बटे तीन है यहाँ भी तीन का होगा, तो तीन से तीन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कट जाएंगे, तो यहाँ केवल कितना बचेगा एक बचेगा। अब आप देखो क्या घातों के घटते क्रम में है, एक्स पे दो की, फिर एक्स पे एक की, फिर क्या है यहाँ पर अचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या आ जाएगा, यहाँ इसका ये आंसर आ जाएगा, ये बहुपद बन चुका है। अब अगला देखते हैं, पहले क्या लिखा है शून्यकों का क्रम सहायक का मतलब ये होता है कि भारत में जो पहले लिखा ऐसे ही आपको आएंगे कि शून्यकों का योग जीरो है और उनका गुणा जो है शून्य वर्गमूल पांच है, बहुपद याद कीजिए। तो यहां भी हम लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या दिया है शून्यकों का योग, योग कितना दिया है जीरो, और शून्यकों का गुणा कितना दिया है, शून्यकों का गुणा दिया है वर्गमूल पांच। हमारे पास बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा, मतलब चाहो तो आप ये हिंदी का सूत्र यूज कर लो, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, वैसे ये ही लिखना आप लोग, ठीक है। और ये या फिर ये भी लिख सकते हो आप गणित की भाषा का, ये भी शून्य बहुपद बनाने का फार्मूला ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनको कहते हैं इंटू एक्स धन अल्फा गुणा बीटा, मतलब हिंदी की भाषा ये लिखी और उसको हमने गणित की भाषा में लिख दिया, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का ये या फिर हम कहें शून्यकों का, आगे हम चार अध्याय मूल पढ़ेंगे इनको, एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग एक्स धन शून्यकों का गुणा। तो रखते हैं मान एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग कितना दिया यहाँ जीरो, तो जीरो इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा कितना दिया करणी पांच, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर जीरो का एक्स गुणा किया तो ऋण जीरो, ठीक है, और धन करणी पांच, तो ये जीरो का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, केवल कितना आ जाएगा एक्स वर्ग धन करणी पांच, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, तीन प्रश्न हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है अगला में, अगला जो चौथा है इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स मूलों का योग भी एक है और गुणा भी एक है, मतलब शून्यकों का योग भी कितना दे रखा है एक और शून्यकों का गुणा भी कितना दे रखा है एक। हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, रख दो मान एक्स स्क्वायर ऋण क्या कह रहे हैं शून्यकों का योग कितना है एक इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा ये भी एक है बराबर जीरो, खैर चलो नहीं लिखना है ये हमें कुछ नहीं लिखना है। तो एक्स स्क्वायर ऋण एक का एक्स में गुणा किया तो एक्स आ गया और धन एक, दो की घात एक्स पे एक की घात और अचर ये अपने मानक रूप में लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन एक, ठीक है स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम चार प्रश्न हो गए दोस्तों। यहां तक यदि आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक तो आप करते ही चलें, इसमें आपका कुछ लागत भी नहीं लगती, ठीक है, कर दो लाइक, देख रहे हैं आगे करती हैं, ठीक आगे बढ़ो। पांचवा देखते हैं, यहां क्या कह रहे हैं, पहले योग कितना दे रहे हैं शून्यकों का, शून्यकों का योग दिया है पहले, शून्यकों का योग दे रहे हैं ऋण एक बटे चार पांचवा में, ठीक है, शून्यकों का योग कितना दे रहे हैं ऋण एक बटे चार, और शून्यकों का गुणा कितना दे रहे हैं एक बटे चार, ठीक है स्टूडेंट। बस अब हम सूत्र लिखते हैं, और हमारा बहुपद बनाने का सूत्र क्या था, तो बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग इंटू एक्स, एक्स है ये, धन शून्यकों का गुणा, ये बस इसमें सीधे आप मान रख दो,
तो एक्स स्क्वायर ऋण शून्य को का योग कितना दिया, ऋण एक बटे चार, तो ऋण तो एक सूत्र का है और योग फिर ऋण एक बटे चार है, तो हम ऋण एक बटे चार इंटू एक्स धन शून्य को गुणा कितना है, एक बटे चार, तो यहाँ लिखे ये एक बटे चार है गुणा, यहाँ से देख के एक बटे चार यहाँ हल कर रहे होंगे, तो एक्स वर्ग कोष्टक के बाहर रहता है स्टूडेंट्स कौन सा चिन्ह, गुणा का चिन्ह, उस ऋण करण में जब हम गुणा करेंगे तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, या ऋण करण में गुणा धन होता है, तो यहाँ धन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक बटे चार इंटू एक्स धन एक बटे चार, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ऋण, ये एक्स ऊपर ही माना जाता है तो एक्स का एक में गुणा होगा ऊपर ऊपर, तो ये आ जाएगा एक्स बटे चार धन एक बटे चार। अब हमने आपको क्या बताया था कि नीचे की संख्याएं बटे में नहीं मिलना चाहिए हमें, तो यहां हम और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां चार और चार दोनों देख रहे हैं हमें, तो चार और चार का लघुत्तम कितना बना, चार बना, तो चार का गुणा कर सकते हैं हम इसमें पूरे में, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम यहां लिख देंगे चार से गुणा करने पर, तो जब हम यहां चार से गुणा करेंगे तो तीनों पदों में करेंगे, तो चार का एक्स वर्ग में होगा तो यहां आ जाएगा चार एक्स वर्ग ऋण चार का, जब अब यहां होगा तो चार से चार गुणा में कट जाएंगे, यहां केवल एक्स बचेगा धन, जब चार का यहां होगा तो चार से चार कट जाएंगे, यहां केवल कितना बचेगा एक बचेगा, तो चार एक्स वर्ग ऋण एक्स धन एक, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ रहा होगा, इसका पांच में प्रश्न का आंसर आ रहा होगा चार एक्स वर्ग ऋण एक्स धन एक, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। एक और देखते हैं हम, छठवां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, शून्यकों का योग कितना दिया है चार, इसमें कह रहे हैं शून्यकों का योग दे रहे हैं चार और शून्यकों का गुणा इसमें दे रहे हैं कितना एक, शून्यकों का योग चार और गुणा कितना दे रहे हैं शून्यकों का एक, ठीक है स्टूडेंट। बस हम ये फार्मूला लेकिन आपको याद करना है बहुपद बनाने का, क्या होता है एक्स वर्ग ऋण, आप चाहो तो हिंदी का यूज कर सकते हो, ये मूलों का लिखेंगे आगे हम वर्ग समीकरण बनाएंगे जब चार अध्याय में, एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणा, यदि में यदि समीकरण बनाना होता तो बराबर जीरो रख देते, बस रख दो इसमें मान, क्या करोगे एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योग, योग कितना दिया चार इंटू एक्स धन शून्यकों को गुणा कितना दिया एक, ये तो बन गया घटते क्रम में है, घाते हैं एक्स पे दो की एक की अचर, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा बहुपद बन गया, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यदि यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज लाइक कर दें, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको लाते रहते स्टूडेंट्स, एक तरफ से पूरी मैथ्स हम आपको लाएंगे, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो आप देखो, और दोस्तों यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, शेयर करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे जो हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।